सिटी हाउसिंग झेलम में बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बढ़िया है झेलम में ये। तो अभी बाहर निकले हैं अफ्तारी के बाद, तो अब सिटी आ गए हैं, तो चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथ थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं और किसी अच्छी जगह पे जाके बैठते हैं। साथ मौजूद हैं हमारे आकाश और जुनैद। आकाश और जुनैद अभी हमारे साथ थे और एकदम आगे पीछे हो गए, कहीं उन्हें ढूंढते हैं। अब उनके साथ रहना, तुझे मैंने कहा है कि उनके साथ रहना है। वो किधर गए? पूछ रहे भाई किधर गए? काश भाई चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ये है जी मायानाज ड्राइवर मोटरसाइकिल का, जबरदस्त किस्म की ड्राइविंग करता है। गुजर के आए नजर आए मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? जो चला रहा था उसका काम होता है ध्यान रखना। और अभी आए हैं जी हम सेटेलाइट टाउन के बिल्कुल टॉप पे, यहाँ से टाउन का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। ये हैं जी जाहिल लोग। अच्छा आओ, मैंने कहाँ फेंका है। मौजूद हूँ इस टाइम में सिटी हाउसिंग झेलम में। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इन्होंने सेटअप बनाया है इधर, स्पेशली बिजनेस के लिए और रहने के लिए। आउटस्टैंडिंग किस्म की हाउसिंग सोसाइटी बनी है इधर, बिल्कुल साफ सुथरा और सुकून वाला माहौल है इधर। मौजूद है इस टाइम मेरे साथ इब्राहिम, इससे पूछते हैं कि आपको सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जो उनसे झेलम की कैसी लगी है अभी तक? जी इब्राहिम बताएँ। अच्छी है, मतलब झेलम शहर से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। झेलम शहर तो काफ़ी जो है ना चल जाती है इधर, ज़रा सुकून है, शोर शराबा नहीं है, ज़रा पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है। और खैर झेलम भी ऐसा कुछ है, मतलब शहर में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई बंदा इंटर हो नहीं सकता ना, इस वजह से बस यही है। और क्या है जी, तो आपने ये कबल तारीफ बोंगी सुनी है इब्राहिम की। मजीद मेरे ख्याल में इससे मुझे कुछ नहीं पूछना चाहिए। अब आए हैं जी होटल पे और खाते हैं इधर से खाना। जिंदगी में खुशियां इतनी हैं जितना मेरे हाथ में साबुन है। हाँ जी ब्रेव साहब, आप पढ़ी लिखी सोसाइटी से हो गए, आपको कैसा लग रहा है? पढ़े लिखे लोग आते हैं जी। क्या हुआ भूख से? सर दर्द कर रहा मेरा। अरे चलो ना, कितना इंतजार, छोड़ दो ना मोबाइल ही जान, खाना आज फिर जी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।